गाइस स्क्रॉल बैक तो मैं पहुंच चुका था भाई, गाड़ी चला चला गया, इतना ट्रैफिक है यार। ये तीरा गड़ी के डिनर के लिए तो मैंने चौमिन मंगा ली थी अपने लिए भाई। चौमिन यार एक नंबर की चौमिन है, बहुत ज्यादा टेस्टी चौमिन है ये गाइस। तो गाड़ी वॉश करवा रहा हूँ इन्हीं भैया से, जो होटल वाले भैया कह रहे यार तुम्हारी इतनी। हेलो गाइस, वेलकम हो चुका है आपका आरजे के एक्सप्लोरर वीडियो में। सो गाइस, आज मेरा दूसरा दिन है राजस्थान के अंदर गुगा मेडी के अंदर, और सुबह के बज चुके हैं 6, और मैं आज सुबह जल्दी उठ के तैयार हो चुका हूँ। मैं नहा भी लिया और अपना रेडी हो चुका हूँ, क्योंकि हमें जाना वापसी दिल्ली। और गाइस यहाँ होटल की खिड़की से देखो, व्यू देखो, ये खेत वगैरह कितने अच्छे लगते हैं। ये सुबह सुबह मैंने इसकी है ना विंडो भी खोल दी है, ये विंडो की खोल दी मैंने, और यहाँ से सुबह उठ के मैं यहीं पे खड़ा होके आराम से इस व्यू का मज़ा ले रहा था, क्योंकि यार अपनी दिल्ली में तो ऐसा व्यू वगैरह तो मिलता ही नहीं है देखने को, ये खेत खलिहान वगैरह। और मुझे ना वैसे भी नेचर ज़्यादा पसंद आता है, नेचर से जुड़ा आदमी हूँ मैं, और मेरे को ये सब ज़्यादा अच्छा लगता है एक खेत के लिए। देखो वैसे इस व्यू देखो, व्यू यार कितना अच्छा लग रहा है सुबह उठ के ना। वो खड़ी अपनी राम प्यारी वहाँ पे, और ये व्यू देखो सुबह सुबह उठ के इस व्यू का आनंद लो, कितना अच्छा लगता है। यहाँ पे तो ऐसे ही है सारा, ये गुगा मेडी के अंदर सारा ऐसे ही है। अभी तो यहाँ पे खाली है जैसे कि मैंने बताया था आपको, अब 5-6 दिन बाद यहाँ पे 10 दिन बाद बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा, पैर रखने की भी जगह नहीं होगी, मेला लगता है यहाँ पे गुगा मेडी के यहाँ। वो देखो दूर दूर तक खेत देखो, कितने अच्छे लग रहे हैं। होटल की खिड़की से बाहर दिखा रहा हूँ मैं आपको, गाड़ी वॉश करवा रहा हूँ इन्हीं भैया से, ये होटल वाले भैया कह रहे यार तुम्हारी इतनी गंदी हो रही है गाड़ी, कोई बात नहीं हमारा बंदा ही धो देगा इस गाड़ी को और अपना आराम से लेके जाना। तो ये गाड़ी वॉश करा रहा हूँ, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया होटल है ये, और बहुत बढ़िया बंदे हैं, पूरी सर्विस दे रहे हैं भाई अपने को। तो अपनी गाड़ी वॉश हो रही है, सही हो जाएगी, अंदर एसी भी सही काम करेगा, ठंडी ठंडा हो जाएगा एसी भी। सो गाइस अब निकल चुके हैं अपने होटल से घर की तरफ, अब दिल्ली जा रहे हैं। अब बीच में देखेंगे कहीं नाश्ता वास्ता करना होगा, वहीं पे रोकेंगे गाड़ी। और भाई होटल वाले बंदे ने अपनी गाड़ी भी सही वॉश कर दी, तो चलो चलते हैं गाइस, अब होटल वगैरह में ही रोकेंगे, आगे 100-150 किलोमीटर के आगे रोकूंगा अब गाड़ी। लग चुके हैं अभी यहाँ पे रुके हैं यार, ये यहाँ पे ट्रेन आने वाली है। अरे भाई कब आएगी ट्रेन, काफी देर हो चुकी है खड़े खड़े। ये गाइस देखो, ये आगे से लोग बाग अपनी बाइकों पे जो आ रहे हैं ना, ये इस बैरिंग में से निकल के आ रहे हैं। यार काफी रिस्की होता है ऐसे निकालना, कभी एकदम से ट्रेन आ जाए, ऐसे नहीं करना चाहिए किसी को। सो भाई ये भाई लेके आया बैरल के नीचे से, ये चला गया। सो गाइस ये आ चुकी है ट्रेन, अब ये जाएगी फिर निकालेंगे। सो गाइस अभी लंच करने के लिए यहाँ पर रुके हैं रोहतक के अंदर, यहाँ आंगन है, यहाँ आंगन ढाबे पे रुके हैं लंच करने के लिए। यार बहुत देर हो गई गाड़ी चलाते चलाते, कम से कम 200 किलोमीटर के करीब, 180 किलोमीटर के करीब मैंने ड्राइव कर ली, और अब यहाँ लंच करने के लिए रुको, वही करते हैं लंच फिर। सो गाइस हमने दाल मखनी और ये प्लेन रोटी और ये थोड़ा सैलड ये मंगाया, और आलू पराठा मंगाया, अब ये यार लंच करेंगे आज। अकीश ने अपनी माउंटेन ड्यू मंगाई है, तो चलो अब गाइस लंच करने के बाद मिलते हैं। खाना कैसा लगा यहाँ का? टेस्टी था। और अब क्या खा रहे हैं? टॉफी खा रहा है।
थक गया होगा तू, है ना? थक गया तू? अच्छा, वैसे तेरे को वहाँ अच्छा लगा राजस्थान में? गर्मी लगी ना काफ़ी, है ना? वहाँ गर्मी थी क्योंकि हम तो पहाड़ों पे ट्रैवल्स करते ज़्यादा कर हिल स्टेशन पे, पर वहाँ भी जाना ज़रूरी था, है ना गिरीश? आशीर्वाद लेना था भगवान को, भगवान जी का। तो गाइस अपना खाना पीना तो हो चुका है, अब चलेंगे, अब सीधा दिल्ली चलेंगे। पर थोड़ा मैं यार रुकूंगा क्योंकि मेरा सर में दर्द हो रहा, थोड़ा खाना वाना तो हमने खा लिया, थोड़ा 5-10 मिनट रुक के जाऊँगा, ड्राइव करूँगा क्योंकि ड्राइव करते करते काफ़ी टाइम हो गया। और अब मैं सीधा दिल्ली में ही रुकूँगा घर पर अपने, और काफ़ी सर में दर्द सा भी हो रहा था, तो चलो चलते हैं गाइस। तो गाइस खाना वाना तो हमने खा लिया था, अब चल रहे हैं दिल्ली, अब सीधा घर पर ही रुकूँगा दिल्ली के अंदर जाकर, तो चलो चलते हैं गाइस। तो गाइस दिल्ली तो मैं आ चुका हूँ, और दिल्ली में इतना ट्रैफिक है यार, ये पीरागढ़ी के फ्लाईओवर पे हूँ मैं, और इतना ट्रैफिक है कसम से, 1 घंटा हो गया और ये खुल ही नहीं रहा यार, ये पता नहीं कब खुलेगा ट्रैफिक। गाइस करोल बाग तो मैं पहुँच चुका था भाई, गाड़ी चला चला के हालत बुरी हो गई, इतना वहाँ से राजस्थान से यहाँ तक आने में हालत ख़राब नहीं हुई जितना ये दिल्ली के अंदर हुई है। जो मुंडका से वो जाम लगा हुआ था ना गाइस, सच्ची में बहुत तगड़ा जाम था, और बहुत मुश्किल से वो जाम खुला है, 2-2.5 घंटे हो गए मुझे जाम में लगे लगे। सब चलते हैं गाइस, बड़ा थक चुका हूँ, घर जाके थोड़ा रेस्ट करूँ। डिनर के लिए तो मैंने ये चाउमीन मंगा ली थी अपने लिए, ये चाउमीन यार 1 नंबर की चाउमीन है, बहुत ज़्यादा टेस्टी चाउमीन है ये गाइस। सो गाइस चाउमीन वगैरह तो मैंने खा ली, वैसे घर में खाना बनाता पर मेरा मन था चाउमीन खाने का, तो मैंने बाहर से चाउमीन मंगा ली थी और चाउमीन खाई थी। सो गाइस वैसे मैं काफ़ी थक चुका हूँ यार, देखा आपने सुबह से ड्राइव कर रहा था मैं, और ड्राइव करते करते थक गया, मेरी कमर में भी पेन सा हो रहा था। सो गाइस गिरीश भी देखो सो चुका है, गिरीश भी अपना खाना वाना खा के सो चुका है, ज्योति ने भी अपना खाना खा लिया और मैंने भी खा लिया। गाइस काफ़ी थक चुका हूँ मैं, और अभी टाइम हो रहा है आपका, सो अभी टाइम हो रहा है 10:35। तो गाइस यहीं पे करता हूँ वीडियो का एंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।